नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि वालों के लिए लास्ट फरवरी से जुलाई तक का समय कैसा रहने वाला है, आने वाले 5 महीने कैसे बीतेंगे। पिछले 2-3 महीने काफी परेशानी वाले रहे, काम नहीं बन पा रहे थे, रुकावटें आ रही थी, लेकिन अब आने वाले 5 महीने ये कैसे बीतने वाले हैं, ग्रहों का प्रभाव कैसा रहने वाला है, क्या शुभ होगा क्या अशुभ होगा, कौन से क्षेत्रों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों की स्थिति के बारे में। मंगल और शुक्र मकर राशि में आपके लगन भाव में गोचर करेंगे, वही शनि बुध और सूर्य ये तीनों ग्रह आपके धन भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। राहु पराक्रम भाव में मीन राशि में, गुरु मेष राशि में चौथे भाव में और केतु भाग्य भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। राशि परिवर्तन की बात करें तो 15 मार्च को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल मकर राशि को छोड़कर के 15 मार्च को कुंभ राशि में धन भाव में आ जाएंगे और धन भाव में 24 अप्रैल तक रहेंगे। 24 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में मीन राशि में आ जाएंगे और यहां पर 1 जून तक रहेंगे। 1 जून को राशि परिवर्तन करके ये आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। तो यहां पर भी राजयोग बनाएंगे और लगन में अभी भी राजयोग जो है बना रहे हैं। तो मंगल की स्थिति जो है आपके लिए बेहतर रहने वाली है। बुध 7 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे। 7 मार्च तक बुध आपके धन भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे, लेकिन ये अस्त भी रहेंगे। ये अस्त रहेंगे 12 मार्च तक। 12 मार्च तक बुध अस्त रहेंगे और 7 तारीख को जो है 7 मार्च को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे राहु के साथ। यहां पर जो है उतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे क्योंकि नीच राशि में गोचर करेंगे। 26 मार्च तक यहां पर रहेंगे। 26 मार्च को राशि परिवर्तन करके ये मेष राशि में आ जाएंगे। तो यहां पर भी कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद ये वक्री हो जाएंगे, मीन राशि में पुनः आ जाएंगे। फिर इसके बाद जो है जब ये उदय हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे, तो मेष राशि में आ जाएंगे। जून तक इनका सिलसिला जो है मीन राशि में और मेष राशि में ही रहने वाला है। तो बुध की जो स्थिति है उतनी बेहतर नहीं मानी जाएगी, लेकिन शनि जो है ये आपके 18 मार्च तक अस्त रहने वाले हैं, जो कि ये भी थोड़ा सा अच्छे परिणाम कम देने का काम करेंगे। शनि जो है लगन के मालिक है, धन भाव के मालिक है और 18 मार्च तक ये भी अस्त रहेंगे, जो अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब जो है ना ही नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और ना ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे शनि के, क्योंकि ये अस्त अवस्था में 18 मार्च तक रहने वाले हैं। 18 मार्च के बाद शनि जो है जून के महीने तक, जुलाई के महीने तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। शुक्र की बात करें तो 7 मार्च को शुक्र जो है राशि परिवर्तन करेंगे, धन भाव में कुंभ राशि में 7 मार्च को आ जाएंगे और 31 मार्च तक यहां पर रहेंगे। उसके बाद ये राशि परिवर्तन करके मीन राशि में, अपनी उच्च राशि में तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तो यहां पर भी शुक्र के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 31 मार्च तक यहां पर रहेंगे, उसके बाद जो है ये आ जाएंगे आपके मेष राशि में चौथे भाव में। तो यहां पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। उसके बाद जो है वृषभ राशि में शुक्र का जो है 19 मई को गोचर होगा और 12 जून को ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो इस प्रकार जो है ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। अब विस्तार से हम जानेंगे कि इन ग्रहों का प्रभाव कब कब कहां पर किस स्थिति पर क्या प्रभाव रहने वाला है, कौन से क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा, कौन से क्षेत्रों से नुकसान हो सकता है, कहां पर सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं मकर राशि वालों के बारे में, मकर लग्न वालों के बारे में। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव और शनिदेव कुंभ राशि में धन भाव में गोचर कर रहे हैं और अभी जो है ये अस्त हो गए हैं। 18 मार्च तक ये अस्त रहने वाले हैं। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, थोड़ा सा मानसिक टेंशन भी आपको हो सकता है, काम को लेकर के थोड़ा सा दबाव भी हो सकता है। इसलिए जो है 18 मार्च तक शनि की स्थिति बेहतर नहीं है। उपाय आपको जरूर करना है शनि को मजबूत करने के लिए।
पीपल का आप जो है पूजन करें, पीपल को जल चढ़ाएं, परिक्रमा लगाएं, दीपक लगाएं, या शनि के लिए जो है दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, जिससे बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। 18 मार्च के बाद शनि की स्थिति बेहतर रहेगी, धन की स्थिति भी बेहतर रहेगी, आर्थिक स्थिति में आपको लाभ भी देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य भी आपको बहुत अच्छा रहेगा, नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी। तो शनि के लिए अभी आपको 18 तारीख तक ध्यान रखना है। शनि की 7.5 का आपके ऊपर प्रभाव है, यदि 7.5 का बुरा प्रभाव है, शनि की स्थिति आपकी कुंडली में खराब है और अच्छे परिणाम आपको नहीं मिल रहे थे, तो अब ये जो 30-35 दिन का समय है ये आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति ज्यादा खराब है तो शनि अब आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, तो 18 मार्च तक शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति पहले से ही अच्छी थी तो अब थोड़ा सा फल कम देखने को मिलेंगे, तो ये आप जो है आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें मंगल के बारे में, मंगल जो है 15 मार्च तक मकर राशि में ही गोचर करेंगे और 15 मार्च को ये राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल लग्न भाव में उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, यहां पर पंच महापुरुष में से एक राजयोग बना रहे हैं, रोचक नामक राजयोग, जो कि यश मान सम्मान धन वैभव कीर्ति प्रसिद्धि के लिए अच्छा माना जाता है, राजनीति के लिए अच्छा माना जाता है, भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, कॉन्फिडेंस देने का काम करता है, नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करता है। तो मंगल आपको जबरदस्त लाभ देने का काम यहाँ पर करेंगे। शनि के अस्त होने पर भी मंगल जो है शनि के जो पॉजिटिव रिजल्ट थे उनको भी देने का काम करेगा। मंगल की स्थिति अच्छी होने के कारण शनि के अच्छे परिणाम भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। कब तक? 15 तारीख तक, 15 मार्च तक मंगल आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। इसके बाद मंगल कुंभ राशि में धन भाव में आ जाएंगे 15 मार्च को, तो यहां पर थोड़ा सा अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि मंगल और शनि द्वंद दोष बनाते हैं, कुटुंब परिवार में विवाद हो सकता है, घर में क्लेश हो सकता है, यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वैसे धन के लिए अच्छे हैं, धन के लिए यहां पर कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का काम करते हैं, लेकिन कुटुंब परिवार में जो है स्थिति को खराब करते हैं, ईगो बढ़ा देते हैं, गुस्सा जो है बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं घर में परिवार में क्लेश जैसी स्थिति भी बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर मंगल कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों प्रकार के फल देने का काम करेंगे। वाहन चलाते समय सावधानी रखना है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, वाणी पर भी आपको कंट्रोल रखना है, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा शत्रु भी पैदा हो सकते हैं। तो मंगल यहाँ पर 23 अप्रैल तक रहेंगे, उसके बाद ये तीसरे भाव में आ जाएंगे, तो तीसरे भाव में 23 अप्रैल से 1 जून तक रहेंगे, यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल तीसरे भाव में मजबूत हो जाते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं, कारक भाव है, लेकिन राहु के साथ जो है कई बार जो है नकारात्मक परिणाम भी मिल जाते हैं, भाग का साथ यहाँ पर मिलेगा और बल पराक्रम में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, यात्राओं का योग बनेगा, भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि राहु और मंगल अंगारक दोष बनाते हैं, तो यहाँ पर मंगल के पास भी पावर रहेगा और राहु भी यहाँ पर मजबूत रहते हैं, इस कारण से थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसी के साथ विवाद नहीं करना है, वाहन चलाते समय भी सावधानी रखना है, यहाँ पर भी चोट चपेट लगने की संभावनाएं बन सकती है। मंगल यहाँ पर 1 जून तक रहेंगे, उसके बाद चौथे भाव में आ जाएंगे, अपनी राशि मेष राशि में आ जाएंगे, यहाँ पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, भूमि खरीदने का योग बनाएंगे, प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनाएंगे, वाहन खरीदने का योग बनाएंगे, मकान का निर्माण का काम चालू करना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं मंगल अच्छी स्थिति यहाँ पर दर्शाता है, तो मंगल के बहुत सारे लाभ भी यहाँ पर मिलते हैं, तो 1 जून से लेकर के जून जुलाई का महीना आपका बहुत ही शानदार बीतेगा, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैरियर के लिहाजा से यदि देखें तो ये महीना जो है आपका जून का महीना जुलाई का महीना बहुत ही शानदार बीतने वाला है। कैरियर में दृष्टि होने के कारण सप्तम दृष्टि गुरु की और सप्तम दृष्टि मंगल की कैरियर के भाव में दशम भाव में होने के कारण कैरियर में अच्छी ग्रोथ आपको मिलने वाली है। अष्टम दृष्टि अपने ही घर में वृश्चिक राशि में लाभ भाव में होगी, तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। तो मई जून जुलाई ये महीने आपके लिए बेहतर बीतने वाले हैं और अच्छी स्थिति यहाँ पर बनने वाली है, तो मंगल के अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे।
सात मार्च तक बुध जो है आपके कुंभ राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद ये मीन राशि में आ जाएंगे। धन भाव में बुध का गोचर अच्छा माना जाता है, लेकिन ये 12 तारीख तक अस्त रहेंगे, इस कारण से कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बुध के उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, एक सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। वाणी पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, सूर्य और शनि की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं मानी जाती है। यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही ग्रह एंटी है और यहाँ पर वाणी दोष भी जो है बना देते हैं, कटु वाणी का प्रयोग करके शत्रु पैदा करने का काम भी यहाँ पर इन दोनों ग्रहों की स्थिति को देखा गया है। वाणी पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बुध जो है 26 मार्च को मेष राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर यदि हम बात करें तो बुध के अच्छे परिणाम कुछ देखने को मिलेंगे, व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, वाणी पर भी जो है स्थिरता देखने को मिलेगी और भूमि वन प्रॉपर्टी से लाभ, कैरियर में भी लाभ देखने को मिलेगा, तो ये एक बेहतर स्थिति यहाँ पर रहेगी। तो बुध यहाँ पर आपको अच्छे लाभ देने का काम करेंगे 26 मार्च से, लेकिन उसके बाद जो है ये वक्री हो जाएंगे तो ये मीन राशि में आ जाएंगे। मीन राशि में फिर बुरे परिणाम देने का काम करते हैं क्योंकि ये नीच राशि में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर उतनी अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। 7 मार्च से जो है 26 मार्च तक जो है यहाँ पर बुध रहेंगे तो अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, और 26 मार्च के बाद जो है ये मेष राशि में आ जाएंगे, एक महीने रहेंगे, इसके बाद पुनः जो इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा, वक्री हो जाएंगे। तो इनका जो सिलसिला है जून के महीने तक ये कोई खास उतना अच्छा नहीं रहने वाला है, सामान्य स्थिति रहने वाली है। शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है 7 मार्च को जो है ये कुंभ राशि में आ जाएंगे। 7 मार्च तक शुक्र आपको अच्छे परिणाम देंगे, उसके बाद भी शुक्र आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। कैरियर से संबंधित कोई आपको विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है, शुक्र आपके कैरियर के मालिक है, लगन भाव में गोचर कर रहे हैं, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, नौकरी में कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, व्यापार की स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, व्यवसाय आपका बहुत अच्छा चलेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र 7 मार्च तक लगन भाव में रहेंगे तो अच्छे परिणाम देंगे, धन भाव में रहेंगे तो और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, धन में बढ़ोतरी करने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। और उसके बाद जो है जब ये मीन राशि में शुक्र आ जाएंगे, मीन राशि में 31 मार्च को आ जाएंगे तो उच्च राशि में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर भी जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। और शुक्र पंचम भाव के भी मालिक है तो शिक्षा के लिए, संतान के लिए, लॉ लाइफ के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, कैरियर के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो मकर राशि वालों के लिए कैरियर के लिए कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लॉ लाइफ के लिए भी समय बढ़िया है, फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी समय बहुत अच्छा है। 24 अप्रैल को मेष राशि में जब शुक्र आ जाएंगे तो यहाँ पर अस्त भी हो जाएंगे, तो ये लगभग 2 महीने तक अस्त रहेंगे, 66 दिनों तक अस्त रहेंगे, तो सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे, कोई खास परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। जून के महीने से 12 जून के बाद जो है स्थिति जो है बेहतर रहेगी और अच्छे परिणाम शुक्र देने का काम करेंगे, लेकिन 23 अप्रैल मई ये महीनों में शुक्र अस्त रहने के कारण जो है सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर कैरियर से संबंधित कोई विशेष दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, स्थिर यहाँ पर स्थिति रहने वाली है। शुक्र के बाद यदि हम बात करें राहु के बारे में, राहु तीसरे भाव में सदैव अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, राहु आपके लिए शुभ है, अच्छे हैं, अचानक लाभ देने का काम करेंगे, यात्राएं करवाने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन क्षेत्रों में, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इन सभी क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हैं तो अच्छा लाभ देने का काम यहाँ पर राहु करते हैं, राहु की स्थिति आपके लिए बेहतर है। केतु जो है भाग्य भाव में कन्या राशि में बेहतर रिजल्ट देने का काम करते हैं, भाग्य का साथ मिलता है, धर्म कर्म में रुचि जागृत होती है, आध्यात्मिक के क्षेत्र में जो है अच्छा प्रभाव रहता है बुध केतु का, तो केतु अच्छे परिणाम आपको देने का काम यहाँ पर करते हैं। गुरु के लिए यदि हम देखें तो गुरु जो है आपके चौथे भाव में 1 मई तक गोचर करेंगे, यहाँ पर मिले जुले परिणाम देने का काम करते हैं, अच्छे परिणाम भी देने का काम करते हैं, धन भाव की स्थिति को बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि जो है गूढ़ ज्ञान गुप्त धन के भाव में पड़ रही है, तो गुप्त धन भी देने का काम करेंगे, गूढ़ ज्ञान देने का काम करेंगे, कैरियर को मजबूत करने का काम करेंगे, साथ ही साथ विदेश की यात्राएं करवाने का काम करेंगे। 1 मई के बाद ये राशि परिवर्तन करेंगे तो गुरु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे 1 मई के बाद, हालांकि ये 1 महीने अस्त रहेंगे, जून के महीने से आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। जून जुलाई का महीना बहुत ही शानदार रहेगा क्योंकि गुरु का गोचर पंचम भाव में रहेगा,
शिक्षा के लिए, संतान के लिए, लव लाइफ के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए गुरु की स्थिति यहाँ पर बेहतर मानी जाती है, संतान के लिए भी बेहतर मानी जाती है। गुरु जो है धन के कारक है, तो धन में भी बढ़ोतरी करने का काम करते हैं। तो ये समझ जाइए कि जून के महीने से गुरु आपको सपोर्ट करेंगे, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। धन भाव में सूर्य की स्थिति शनि के साथ अच्छी नहीं मानी जाती, कुटुंब परिवार में विवाद हो सकता है, वाणी पर विशेष ध्यान रखना है, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना है, खर्चों पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। 14 तारीख तक सूर्य जो है आपके धन भाव में कुंभ राशि में रहेंगे और 14 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे तो ये मीन राशि में तीसरे भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर ये 13 अप्रैल तक रहने वाले हैं। यहाँ पर भी स्थिति उतनी बेहतर नहीं है क्योंकि राहु के साथ सूर्य ग्रहण दोष बनाएंगे तो कॉन्फिडेंस कमजोर हो सकता है, काम काज करने में थोड़ा सा मन कम लगेगा, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में भी थोड़ा सा स्थिति उतनी बेहतर नहीं रहेगी, भाई बहनों के साथ मन मुटाव वाली स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, 14 तारीख तक, 14 अप्रैल तक की स्थिति बेहतर नहीं है। उसके बाद जो है सूर्य उच्च राशि में गोचर करेंगे, मेष राशि में, तो यहाँ पर फिर अप्रैल का महीना, मई का महीना, जून का महीना, ये महीने बहुत अच्छे बीतने वाले हैं। तो सूर्य जो है आपको ये समझ जाइए कि 15 अप्रैल के बाद अच्छे परिणाम देने का काम करने वाले हैं। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो मकर राशि वालों के लिए भी काफी अच्छा समय रहने वाला है, लेकिन कुछ चीजों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, सावधानी रखना है। यदि आप सावधानी रखते हैं तो समय आपका बेहतर है, आपको लाभ देखने को जरूर मिलेगा। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।